नमस्कार, आपका फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज़ कार्यक्रम। और आज हम फिर से हाजिर राजनीति दुनिया की एक अहम खबर के साथ। और आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि शिवराज सिंह चौहान से अचानक मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश की सियासत में मच गई खलबली। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार रात अचानक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर जाकर के उनसे मुलाकात किया और इस दौरान उन्होंने उनसे करीब एक घंटे तक बंद कमरे में बातचीत भी की। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बन चुका है उसके बाद से। हालांकि शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य दोनों ने ही इसे शिष्टाचार भेंट बताया। ज्योतिरादित्य ने अचानक चौहान से उनके निवास पर मिलने की इच्छा जताई और स्वीकृति मिलने पर वह सोमवार रात 9 बजे के आसपास उनसे मिलने भी पहुंच गया। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में करीब एक घंटे तक चर्चा की और मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य एवं शिवराज दोनों ने मीडिया को बताया कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी और बातचीत अच्छी रही। ज्योतिरादित्य ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर बातचीत की है और यह पूछे जाने पर कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने उनके खिलाफ माफ करो महाराज और आपने तो शिवराज कहकर के प्रचार किया था, पर इस पर ज्योतिरादित्य ने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आजीवन रिश्तों में कटुता लेकर के चलता रहे। मैं रात गई बात गई बात में विश्वास रखता हूँ। कांग्रेस सत्ता में है और हमें सबको साथ लेकर के चलना है। चुनावी मैदान में कशमकश होती रहती है लेकिन बाद में नहीं। तो यह एक अहम खबर जिसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। हालांकि उन दोनों ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति है जिसमें कि कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती या दबी नहीं रह सकती। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खुद से शिवराज सिंह के पास जाकर के मिलना और उसके बाद मीडिया के सामने आकर के जवाब देना कहीं ना कहीं कुछ और ही इशारा करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बात में कितना दम है ये अभी तक कहना मुश्किल है। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।